तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं यूसुफ पटेल आप सबका स्वागत करता हूँ इस टेक्निकल हाउस में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यदि आपने हमारी इस टेक्निकल हाउस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम चीज़ बात करने वाले हैं, जिस चीज़ पर वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है हमारे फ़ोटोशॉप रिलेटेड। जी फ्रेंड्स, यदि आप एक फ़ोटो एडिटर हो तो श्योरली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि आपने कुछ इस टाइप का अपने फ़ोटोशॉप में चीज़ देखी होगी कि रिसेंट वाला पोर्शन आता है वो काफ़ी भरा हुआ रहता है। जैसे कि मैं अभी मेरा पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ 20 पिक्स मतलब मैंने एडिट किए हुए वो दिखेंगे। वो फिर आपने एक साल पहले किया है या फिर कब किया है, यहाँ देख सकते हैं लास्ट 14 डे गो, चूँकि नवरात्रि का सीज़न था तो उसके बैनर्स वगैरह मेरे ऑर्डर्स के मुताबिक मैं इसको बना रहा था। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बेहतरीन चीज़ कि यदि आपको भी पेड चीज़ें यदि लोगो वगैरह बनाना है तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से लोगो डिज़ाइन करके देता हूँ, विथ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, उसकी श्योरली प्रायोरिटी भी देता हूँ। तो उसकी डिटेल आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप जाइएगा और विज़िट कीजिएगा, और साथ ही हमारी वेबसाइट की भी विज़िट कर लीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा ख्याल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि रिसेंट पोर्शन होता है जो मतलब ये प्रॉपर्टी स्टोर वगैरह बोलते हैं हिस्ट्री, उसको कैसे क्लीन करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इसको क्लीन नहीं करना चाहते तो एक और सेटिंग भी है जिनसे आप इसको हाइड कर सकते हैं, और ये आपको दिक्कत कहाँ आती होगी वो मुझे पता है। यदि आप मेरी तरह इस टाइप की वीडियो बनाते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स क्या करते जब आपकी वीडियो शो करते तो क्वेश्चन करते कि भाई ये फ़ोटो किस तरह से बनाई, ये फ़ोटो किस तरह से बनाई, ये चीज़ कैसे बनाई। तो इन सब पे मैं हम वीडियो बनाते भी है कभी ना कभी, राइट फ्रेंड्स। तो मैंने ये सारी फ़ोटो है ये सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, राइट फ्रेंड्स। तो आप जाइए विजिट कीजिए हमारी चैनल के प्लेलिस्ट की, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसको टॉपिक पे आते हैं कि इसको पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ एडिट पे चले जाने तो इनसे क्या होगा, आप इसको मैनेज कर पाओगे, राइट फ्रेंड्स। ये रिसेंट वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो इसके लिए हमें चले जाते हैं एडिट पे, और यहाँ नीचे आ जाएं तो परफॉर्मेंस करके आ रहा है। इस टैब में आपको यहाँ चले जाना है जनरल पे। अब फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो यहाँ इसकी सारी की सारी शॉर्टकट्स भी दे रखे, यदि हम यहाँ जनरल पे जहाँ जाने वाले वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ फाइल हैंडलिंग करके आ रहा है उस पे हमें जाना है। लेकिन मैं आपको जनरल से लेके जाता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो कि यह हमारा परफॉर्मेंस लिखा आ रहा है, उसके अंदर हम है जनरल में, और उसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि फाइल हैंडलिंग करके आ रहेगा, वहाँ पर हमें वर्क करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि रिसेंट ये लास्ट वाली टैब है, वहाँ आप देख सकते हो कि रिसेंट फाइल लिस्ट कंटेंट। अब यहाँ 20 फाइल है, और ये जो मेरी ये फाइलें है वगैरह वो भी 20 फाइल है फ्रेंड्स। आप गिन सकते हो 6, 18 और 19, 20, राइट फ्रेंड्स। तो ये 20 फाइल है, यदि आप यहाँ 0 कर दोगे तो यहाँ से एक भी फाइल आपको दिखेंगी नहीं, पूरा क्लीन रहेगा। लेकिन क्लीन नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं, हाइड हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको ओके पे प्रेस करना होगा और हमारे फ़ोटोशॉप को रीस्टार्ट करना होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपना टाइम बचाने के लिए ये चीज़ नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, वरना आपको श्योर प्रूफ दिखा देता है। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो प्लीज़ मेरी काफ़ी सारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने प्रूफ के साथ वर्क किया है और ये भी 100% वर्क करता है। और अब मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ, वही चीज़ पहले मैं 20 पे ला के रख देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन ना रह जाएगी। यदि आपको प्रूफ ही चाहिए तो 100% मैं आपको क्लीन करके ही दिखाता हूँ। तो फाइल हैंडलिंग में जाके हम इसको पहले वापस 20 पे रख देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। फिर यहाँ फाइल पे चले जाना है, और यहाँ हमें आना है ओपन रिसेंट पे, और यहाँ आपकी सारी की सारी फाइलें मिल जाएंगी। मैंने बोला था 20 फाइलें, आप देख सकते हो 0 से लेकर 19 तक है, और 19 है और 0 यानी 20 हो चुकी है, सबकी सब PhD फाइल फॉर्मेट में होगी, राइट। यहाँ जो क्लीन रिसेंट फाइल लिस्ट आ रहा है उस पर सिंपल सा प्रेस कर देना है ताकि आपकी सारी की सारी हिस्ट्री क्लीन हो जाएंगी। मैं अभी दिखा ही देता हूँ कि यहाँ मैं देख सकते हो कि क्लीन मैंने कर दिया, तो यहाँ देखिए सब की सब क्लीन हो चुकी है, यहाँ एक भी फाइल नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आप जो जब भी कुछ नया यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो वापस आ जाएंगी, यदि वो चीज़ ना आए तो उसके लिए मैंने जो सेटिंग फर्स्ट बताया था एडिट पे जाके हमें परफॉर्मेंस पे जाके फाइल हैंडलिंग, या मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, देख लिया फाइल हैंडलिंग से हम चले जाते हैं। तो यहाँ जो रिसेंट फाइल लिस्ट कंटेनर है उसको हम दे देंगे 0 पे।
अब आप कितनी भी फाइल क्यों ना बना लो फ्रेंड्स, ये अब यहाँ स्टोर नहीं होगी, इसकी गारंटी के साथ मैं ये चीज़ कह सकता हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद है, यदि पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो है तो आपको सबसे पहले दिखने मिले। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ की विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट की विजिट कीजिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।